है हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए। अब कार्यक्रम की वह कड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम सभी आतुर हैं। हम सभी आतुर हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की वाणी के लिए। मैं यह जरूरत नहीं है सर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु कार्यक्रम की परंपरा है। सर विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न तरीके के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हुए 1963 में पूर्ण सार्वजनिक जीवन को आपने अपना लिया तथा तब से अब तक के कार्यकाल में आपने सरकारी तथा अन्य जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा व पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया है। आप पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एजुकेशन, पर्यटन, सड़क निर्माण, एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देते रहे। आप 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे, देश में एमएसएमई सेक्टर के केंद्रीय मंत्री भी रहे, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का कार्यभार संभालते हुए राजस्थान के 44वें राज्यपाल के रूप में आपने पदभार ग्रहण किया। शिक्षा की उन्नति के लिए आप सदैव विशेष प्रयासरत रहे हैं तथा कुलपति के रूप में आपका मार्गदर्शन भी विश्वविद्यालयों को समय समय पर मिलता रहता है। महामारी के दौर में भी संरक्षक के रूप में आपने हमारा आत्मबल सदैव बढ़ाया है। अतः आपसे निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। ओवर टू सर प्लीज। एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत मिशन विषय पर आयोजित व्याख्यान में आपके कुलपति आदरणीय श्री जयदीप चारण जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री एन के जैन जी जो अध्यक्ष एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के हैं, दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे श्री वी के जेटली जी, सीओ डी सी एम सी आर एम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सभी हमारे वाई एन सिंह जी हैं, निदेशक अकादमिक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं या जो सुन रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित अध्यापक गण, सभी छात्रगण, अन्य महानुभाव, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चारण जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया है और उसे उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया है। चारण जी इसके पहले भी बड़े अच्छे विषयों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम कर चुके और इसे लगता है कि स्वयं में ही बड़े रचनात्मक सृजनात्मक मस्तिष्क के धनी होने के कारण परिस्थिति के अंतर्गत किन किन प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना करनी चाहिए उसके अनुसार करते रहे कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसे शिक्षा जगत को भी, विद्यार्थियों को भी और समाज को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन और स्वयं में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये क्रम चला है, लेकिन एक विचार मंथन बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। और सौभाग्य इस बात का है इसमें महात्मा गांधी जी का 150वां वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का 2 अक्टूबर जयंती, दोनों महापुरुष। महात्मा जी ने प्रारंभ में जब भारत गुलाम था और गुलामी की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक नया उन्होंने माध्यम अपनाया था, सत्याग्रह का, लेकिन उसके अलावा ये ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, भारत इतना विकसित देश के रूप में क्यों उस समय लोग सामने दिखाई पड़ता था, उसको देखकर उसको लगा था कि जो भारत के अंदर गांव गांव स्तर पर कुटीर उद्योग धंधों का विस्तार है, जगह जगह जहां लोगों की आवश्यकताओं की, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की
जो लगातार काम कर रहे हैं छोटे छोटे धंधों के माध्यम से, ऐसे जो शिल्पकला में माहिर हैं, जो विभिन्न कार्यों में विशेषता रखते हैं, जब तक इन लोगों को किनारे नहीं किया जाएगा तब तक भारत को ज्यादा दिन तक हम गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक विपन्नता नहीं बनेगी, आर्थिक संपन्नता बन गई। और इसलिए हम देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने कारीगरों को बाकी के लोगों को नष्ट करना शुरू किया, हाथ पर कटवा दिया। गांधी जी ने इसको अच्छी तरह से समझा और इसलिए उन्होंने एक बार विदेशी कपड़े की होली जलाने का भी अभियान चलाया। क्यों ऐसा है? उन्होंने हिसाब लगाया था कि हमने कितना कपड़ा चाहिए, 10 लाख गज कपड़ा की आवश्यकता है, एक आंकड़ा। अब इसके लिए 10 से ज्यादा लोगों की नौकरी प्राप्त हो तो उसको कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों के अंदर प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। कुटीर उद्योग धंधों को जब तक आगे विकसित नहीं किया जाएगा, गांव स्तर पर लोगों को आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास का सृजन नहीं किया जाएगा, तब तक हम भारत को संपन्न नहीं कर सकते, गुलामी की श्रृंखला से उनको मुक्त भी नहीं करा सकते। और इसलिए उन्होंने उस समय स्वदेशी का नारा प्रदान किया था, चरखा काटने का, तकली काटने का, उन्होंने सूत कैसे काटा जाए और अपने ही सूत काट कर कपड़ा बनाकर उसको पहना जाए ताकि स्वदेशी व्यवहारिक स्वरूप धारण कर सके, ये नारा देकर उन्होंने भारत के आम जन के अंदर ये विश्वास स्थापित करने का प्रयास किया था कि स्वयं के द्वारा काम करो, स्वयं के द्वारा काम करोगे तो आत्मनिर्भरता पूर्वक रह सकोगे। इस अभियान को गांधी जी ने लगातार चलाया और स्वयं उन दिशा में लग रहे तो स्वदेशी आत्मनिर्भरता का भाव, आत्मविश्वास का सृजन गुलामी के कार्य में गांधी जी ने अपने आचरण और व्यवहार और वैचारिक जो भारतीय विचार उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे महापुरुष आज का जन्म है। तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत का आधार स्तंभ तो उसी समय रखा गया। और दूसरे हमारे जिसके बारे में चर्चा किया श्रीमान जेटली जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी, किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश, हम स्वयं खेत में अपना उत्पादन कर सकते हैं, हम बाहर की चीज नहीं खाएं। और उन्होंने कहा था कि हम अपने उत्पादन के आधार पर PL48 नहीं लेंगे, 480 नहीं लेंगे, तो हम अपने आप उत्पादन बढ़ाएंगे। और इसलिए उस समय उन्होंने जय किसान का नारा किया था और एक आधा सप्ताह में एक दिन मक्खन खाओ, उन्होंने से आग्रह किया था ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे, दूसरे के ऊपर अवलंबित नहीं हो। और 1965 में अप्रत्याशित युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसमें विजयी हम हुए, दुर्गा से काशगंज में पाकिस्तान साथ समझौते के पर हस्ताक्षर करने के पश्चात शास्त्री जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नारा दिया तो जय जवान जय किसान, सैनिकों के अंदर उत्साह की वृद्धि हो और किसानों का मनोबल बढ़े रहे, बढ़ा रहे, इस बड़ा का प्रोत्साहन दिया गया। ऐसे महापुरुष का भी जन्मदिन है, तो दो ऐसे महापुरुषों का आज जन्मदिन भी है। और ऐसे अवसर पर चारण जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक कार्यशाला चलाया है, इसके लिए मैं चारण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमारे श्रीमान नरेंद्र कुमार जैन जी ने बहुत अच्छी बात, मुझे याद है कि जब आप आए थे मिलने मुझसे तो मैंने कहा था कि आप जिले जिले स्तर पर देखिए कि किस प्रकार का महोद्योग हो सकता है। आज मैं आपके आज से कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा है
क्या आप हर जिले की सीट नहीं देते हैं? जहां वहां की भौगोलिक और जलवायु की स्थिति का हम सर्वेक्षण करें, वही कितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, कितने बाकी के इंस्टीट्यूशन हैं, कितने इंग्लिश बड़े के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पूरी स्किल मैपिंग। और स्किल मैपिंग के आधार पर उद्योग कितने लग सकते हैं, कितने लोगों का समायोजित कर सकते हैं, कितनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फिर से मेक इन इंडिया के नाम पर हम उनको स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। ये अगर आप हैं क्या, तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ी चीज हो जाए। और निश्चित रूप से राजस्थान जैसे प्रदेश में हमें एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस COVID-19 में भारत को अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना, विश्व महाशक्ति बनना। भारत सरकार ने कोरोना संकट से जुड़े जो आर्थिक घोषणाएं की थी, वह रिजर्व बैंक के फैसले थे, और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाख करोड़ का है। अब 20 लाख करोड़ की घोषणा करते हुए मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, और उसने कई चीज बताया था एमएसएमई पर ज्यादा जोर, क्योंकि उसी के माध्यम से आम जन के अंदर जो भी प्रतिभा है, जो टैलेंट्स है, उनको प्रोत्साहित करते हुए हम छोटे छोटे उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं, इनोवेशन के लिए भी लोगों को प्रेरित कर सकते, और उसके आधार पर स्टार्टअप के माध्यम से उनके अंदर आत्मविश्वासन जागरण कर सकते, और इससे हमारा आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ेगा। जो नई शिक्षा नीति आई है, वो नई शिक्षा नीति में तो एक तरह से अगर मैं कहूं कि इसका एक प्रायोगिक स्वरूप है तो इसकी शक्ति नहीं होगी। अगर देखो नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही है, अनेक लोगों के अंदर प्रारंभ से ही जीवन की शुरुआत से ही ये अनुभव हो कि मुझे काम करना है, मुझे अपने पैर पर खड़ा होना है, मेरी स्किल जो है वो इसकी किस दिशा में काम कर सकती है और उसके आधार करना है। तो इस बात को ध्यान में रखकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा किया। यह पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति प्रदान करेगा। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है, जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा, राष्ट्र विचार की वकालत भी करता रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने में स्वदेशी का विचार काफी उपयोगी है। खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों की बढ़ती मांग इसका उदाहरण है। जब खादी की बात आती है तो राजस्थान याद आता है। आपको ध्यान है कि वर्धा में अपना मुख्य केंद्र बनाकर आदरणीय श्री जमुना बजाज जी विद्वान थे, जो ही राजस्थान के सीकर के रहने वाले। गांधी जी को बड़े प्रिय थे, बहुत प्रजा कानून पार्टी उन्होंने बनाई थी, उसके आधार पर काम कर, लेकिन वर्धा उनका केंद्र था। गांधी जी के सहयोगी के रूप में उन्होंने लगातार काम किया। जब खादी का प्रारंभ हुआ, केंद्र था आपका राजस्थान, और उसके अध्यक्ष रूप में जमुना बजाज जी बनाए गए। शुरुआत उन्होंने दिशाएं दिखाई थी, इसके माध्यम से जहां स्वदेशी को हम आगे बढ़ाएंगे, वहीं कपड़े की आवश्यकता की तथा अन्य उत्पाद की पीछे पीछे यहाँ के हैं, उस उत्पाद के माध्यम से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते। यह खादी का स्वरूप रहा है। खादी ग्राम उद्योग के उत्पादों की बढ़ती मांग इसका उदाहरण है। इस समय भी काफी बढ़ रही मांग राजस्थान के द्वारा, इसलिए मैंने इस संबंध में आपको बताया। 10 वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली नहीं थी।
सारी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी भी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम चार वर्षों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुए 5 साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और 2.5 से लेकर 3% विकास दर के साथ वृद्धि की। भारत को अपने आर्थिक संकटों की वजह से साल 1991 में बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े। पीवी नरसिंह राव जी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री। ये नए प्रकार की अर्थनीति को उन्होंने विकसित किया था, ये आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। भारत एक बार फिर से आत्मनिर्भर बनने के लिए भीतर की ओर देख रहा। भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेना नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे दौर में जहां अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल चीन और भारत के बाजारों पर सीधा असर डालती है, उस वक्त स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को कुछ सुरक्षा राशि भी देने की आवश्यकता है। हमारे जेटली जी ने बड़ा अच्छा कहा, जो आयात हो रहा था चीन से वो आयात बंद हो, हम निर्यात कर सकने की स्थिति में है, ऐसे इन्होंने उत्पाद प्रारंभ करने शुरू कर दिए। हजारों करोड़ की बचत होगी और जिसके कारण हमारा यहाँ का उद्यमी ढंग से यही के उत्पाद का उपयोग करते हुए अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकने में सक्षम होगा। भारत के लिए आत्मनिर्भरता ना तो बहिष्करण है और ना ही अलगाववादी रवैया जोर इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाए। इसके अलावा दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया की मदद की जाए। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक राष्ट्रवाद का रूप पूरे दुनिया में आ सकता है। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मॉडल ही भारत को आगे ले जा सकता है। हमें लोकल चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए, ये भी इसमें भी बड़ा विचार चला है। लोकल वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, ये नारा इस समय तेज चल रहा है। अरे कितनी तेज मार्केटिंग हो, उसको कितना प्रचार किया जाए, उसे कैसे ब्रांडिंग की जाए, लेकिन गुणवत्ता युक्त हो, क्वालिटी वाला, तभी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल तो सही माने में हम चरितार्थ कर सकेंगे। और इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी भारतीयों को स्थानीय चीजों के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता वैसे भी हर देश का एक वांछित सपना है। भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में भूमिका निभा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए या भारत में निवेश करने के लिए चीन स्थित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। भूमि पानी और बिजली में सुधार की जरूरत है। सिस्टम यानी प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। यह अर्थव्यवस्था का चालक साबित हो सकता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी जीवंत लोकतंत्र भारत की मुख्य ताकत है। चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। वह उद्यमी और निर्माता जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाल शोषण के उन्मूलन को महत्व देते हैं, वो साम्यवादी चीन के स्थान पर भारत के साथ डील करना चाहेंगे। डिमांड यानी मांग, भारत का घरेलू बाजार निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक पेशकशों में से एक है। वर्तमान में डिमांड हल्की है, लेकिन COVID-19 के बाद की दुनिया में एक बार फिर भारत को शुरुआत करनी होगी। इसके लिए कई छोटे और मध्यम उद्यमियों को सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। सभी ये मान भी रहे हैं कि आत्मनिर्भरता जो छोटे और मझोले उद्योगों की मदद से ही हासिल की जा सकती है। आज का ज्वलंत मुद्दा है
कि कोरोना महामारी से जर्जर हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए। वर्तमान प्रचलित उपचार पद्धति कहती है कि कोरोना की दवा किसी के पास नहीं, पर भारत की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवा मांगने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने गुहार लगाई। आयुर्वेदिक काढ़े, जड़ी बूटियां आज की मांग भी बढ़ रही है। दूसरी ओर वैश्विक सामाजिक आर्थिक संरचनाएं भी इस समय निरर्थक सिद्ध हो रही है और भारत जैसे देश का मुंह देख रही है। भारतीय प्रतिभाओं ने जिस स्वदेशी एक प्रतिमान को कभी इस देश में खड़ा किया, कोरोना महामारी से लड़खड़ाती दुनिया उसे बड़ी आशा से निहार रही है। इसलिए जरूरी हो गया है इसे एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए। इस समय राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में दो प्रकार के विषयों को स्पर्श किया है, तात्कालिक और दीर्घकालीन। तात्कालिक कामों में पर्यवलोक किया गया शहरों से गांव लौटते हुए मजदूरों का। क्या हम गांव में ही उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? मैंने इसीलिए जैसा भी कहा कि जिले की स्किल मैपिंग होनी चाहिए, जिले का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए, उसमें खेती भी आ जाए। खेती में किस स्तर के लोग बना, क्योंकि सभी खेती पर आधारित होकर अच्छा अपना आजीविका का भरण पोषण नहीं कर सकते, खेती में भार ज्यादा पड़ जाता है। और इसलिए किन किन लोगों को उस जिले के अंदर उपलब्ध जो भी राबट से कच्चा माल है, कई चीजें हैं, उसका उपयोग करते उनको कैसे लगाया जा सकता, इसके लिए उनको ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसलिए इंस्टीट्यूशन है। अगर नहीं तो उस आबादी के आधार पर कितने बनाए जा सकते। अब वो करके अगर करना शुरू किया तो गांव में जो लोग इस समय गए हैं फिर शहर की तरफ नहीं आए, गांव में ही रहकर गांव में ही उत्पाद करेंगे, गांव में ही अपने प्रतिभा के आधार पर, अपने स्किल के आधार पर वो रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे और रोजगार देने वाले भी बन सकेंगे। ये चीज निर्माण हो सकती है। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया था जब मैं एमएसएमई मिनिस्टर था, हमने अभियान चलाया था इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने का, टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें छोटे छोटे कक्षा 10 के विद्यार्थी, कक्षा 12 के, जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका स्किल है, ऐसे सब लोगों को हैंड ऑन ट्रेनिंग, मशीनों पर ट्रेनिंग देकर उनको छोड़ दिए। बैंक से भी कैसे लोन लिया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग, कम से कम लोन में 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 50,000 रुपया, 5,00,000 रुपया, ये लोन लेकर छोटी सी मशीन लेकर पूरा परिवार उसमें लग सकता है और उसको दे सकता है। और गांव स्तर पर अगर किया जाए तो कोई बेरोजगार नहीं रह सकता, स्वयं के द्वारा स्वावलंबी होकर अपना कार्य चला सकते हैं, सभी लोग लगकर उसमें उस उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग धंधों के माध्यम से लोकल को वोकल बनाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, एपीजे अब्दुल कलाम के पूरा नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, जो पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज से लेकर नानाजी देशमुख के समग्र विकास तक के उदाहरणों के संदर्भ ताजा हो गए। ग्राम विकास के कार्यों में लगे हजारों लोगों का परिश्रम और प्रयोग धर्मिता इसकी अधोरचना है। ऐसे में इन लाखों कामगारों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाकर एक बड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है।
दूसरा तात्कालिक काम है गांव से दोबारा शहर जाने वालों के लिए काम धंधे ढूंढना, क्योंकि अधिकांश उद्योग बंद है, वैश्विक मांग में भी भारी कमी हो गई है। ऐसे में दोबारा उन्हें खपाने व रोजगार दिलाने की कितनी क्षमता यहाँ है इसे देखना पड़ेगा। ये उद्योग भी घाटे में चल रहे होंगे। आपने स्वयं बताया है हमारे जैन साहब ने, जैन साहब का एक विशेष काम है क्योंकि एम्प्लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब ऐसे लोग कैसे इम्प्लॉय करेंगे ये थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में जो बेचारे गए बेकार उनको लग रहा है क्या करें, फ्रस्ट्रेशन में और उसी का डिप्रेशन भी होता है। जब व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो अवसाद में आने के बाद इतना अपने को रख पाएगा भगवान जाने। लेकिन ऐसे में आपको बहुत जरूरत है, ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि कितने उद्योग हैं जिन उद्योग में हम इतने इंप्लॉय कर सकते। यद्यपि आपने कहा है हमारे चरण साहब से आपने कहा कि आपके विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं या कहीं भी हैं अगर उनको इंटर्नशिप के लिए किसी उद्योग में लगाना है तो मैं तैयार हूं, तो छात्रों को लगाई अच्छी बात है। लेकिन जो बेरोजगार पड़े हुए बेचारे आए हैं उनकी नौकरी खत्म हो गई, वो शहर के बाहर है, उनको क्या है? ऐसे लोगों भी कर सकते क्या, क्योंकि उन्होंने उद्योगों में काम किया है। ऐसे लोगों के बारे में चिंता करनी पड़ेगी जैन साहब, और इसमें हमारे जेटली साहब को भी चिंता करनी पड़ेगी। आप दोनों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग सिंबल हैं इंडस्ट्री और बाकी आप लोग कर सकते हैं। मैं सुनता हूं ये स्थिति अगर होगी तो आगे चलकर लोगों के मन के अंदर जो निराशा होगी और निराशा का शमन हो जाएगा, फिर वो आगे बढ़कर काम कर सकेंगे। लिहाजा आपसी सद्भाव और समझदारी से दोनों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, यानी पुनर्निर्माण में मालिक मजदूर का समन्वय आवश्यक है। तीसरा बड़ा दीर्घकालीन विचार विकास का वैकल्पिक मॉडल है। स्वावलंबन एक संकेत दे रहा है कि किस प्रकार इस समय शासन विकेंद्रित आर्थिक संरचना के लिए तैयार करना जरूरी है। कोरोना महामारी आज एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन के खोखलेपन को उजागर कर रही है। यह बाजार की ताकतों का बनाया हुआ प्रतिमान था जो इस समय दम तोड़ रहा है, उसकी जगह ग्राम स्वराज व जिलों पर आधारित अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर मॉडल इस महामारी रूपी आपत्ति का मंत्र है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्व शब्द और स्वदेश के विकास मॉडल को विकसित कर, चौथी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान का प्रयोग हो परंतु अपनी परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें लेकिन भारतीयता के आधार पर उसका समावेश आवश्यक है। इसका मतलब संवेदन शून्य नहीं होना है, संवेदना के साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं भी हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान जब संवेदन शून्य हो जाता है तो बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा होती है। विज्ञान मानवतावाद जिसे गांधी जी ने इस पर जोर दिया था, जो विज्ञान मानवतावादी होगा वही सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, जो विज्ञान मानवतावादी नहीं होगा तो विनाश कर जाता जाएगा। इस गांधी जी ने पाप सात पाप में से एक पाप था। तो इसलिए हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीयता के आधार पर संवेदना युक्त होकर करने की आवश्यकता है। आज विदेशी मॉडल विकास का मॉडल की खामियां जब जाहिर है, यह अत्यधिक ऊर्जा भक्षी एनर्जी ज्यादा लेते ऊर्जा भक्षी रोजगार विहीन व पर्यावरण भक्षक परिवार को प्रदूषण युक्त ऐसे ये है। ऐसे मॉडल की गहन बेचना आदरणीय श्री दत्तो पंडित ठेंगड़ी जी का नाम आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे और मजदूर क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम। ठेंगड़ी ने पुस्तिका द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड वे में की है,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय व गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में इस पश्चिमी मार्ग की धज्जियां उड़ाई है। विदेशों में भी इस विकास मार्ग की चीर फाड़ हुई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव का मुख्य कारण अत्यधिक शहरीकरण वैश्वीकरण तथा अत्यधिक संपर्क है। जहां जहां पश्चिम मार्ग प्रसिद्ध हुए वहां इसके दुष्परिणामों के कारण इसका विरोध हुआ है। इसलिए कोई भी केंद्र व आत्मनिर्भर भारत ही मॉडल ही इन बीमारियों से बचा सकता है। एक अहम प्रश्न यह है कि इस वैकल्पिक स्वदेशी संरचना को कौन लागू करेगा। दरअसल तीन स्तरों पर हो सकता है, शासन, प्रशासन और समाज द्वारा। शासन प्रमुख रुचि दिखा रहे हैं, सरपंचों के साथ अपनी वार्ता में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर मॉडल के चार पायदान बताए। गांव, जिला, प्रांत और देश। जहां तक प्रशासन का सवाल है तो कायदे से वह उसी को करने को प्रतिबद्ध है जिसे शासन कहेगा या उसे करवा लेगा। तीसरा काम समाज करना होता है और वह काम सतत और नियोजित जन जागरण से होता है। ये जन जागरण का अभियान दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और ये जन जागरण के अभियान की अगर निरंतरता बनी रहेगी तो कोविड भी खत्म होगा, लोगों के मन के अंदर की निराशा भी खत्म होगी, सकारात्मकता की तरफ लोग बढ़ेंगे और छोटे छोटे उद्यम लगाकर स्वावलंबन के साथ जी सकने में सक्षम हो सके। ये इसलिए समाज को जन जागरण की दृष्टि से हमेशा उसकी निरंतरता बनाए रखने के हिसाब से वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। जीवन में स्वदेशी अपनाने पर पूरा जोर देना होगा। जीवन के लिए जो आवश्यक है उसे यहां तैयार करना होगा और उसकी गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। आज नई चुनौती चीन से अत्यधिक आयात की है, इस पर ज्यादा लोग बोले हैं, अभी तक लोग ही बोल रहे हैं और ये जागरूकता हमारे उद्यमियों के अंदर निर्माण हुई है, उनके अंदर अब बेचैनी पैदा हो रही है कि कौन सा ऐसा हम काम करें जिसके आधार पर चीन से अभी कोई चीज आयात न करें। यहाँ का सामान्य उद्यमी भी विचार करने लगा है, सामान्य उद्यमी, मध्यम उद्यमी और जो बड़े उद्यमी हैं उनको थोड़ी। तो ये बड़ी तेजी से बढ़ा है, हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, अपने ही देश की बनाई हुई चीज को मेक इन इंडिया के नाम पर जो भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का कपड़ा की थी वो साकार हम करेंगे। इस भाव से प्रेरित होकर आज लोग काम करने की दृष्टि से आगे आ रहे हैं। प्रतिवर्ष 54 से लेकर 64 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हमें चीन से हो रहा है। जिस प्रकार कोरोना महामारी के बाद भी दुनिया को घेरने में चीन संलग्न है, वह एक खतरे की घंटी है। इस कारक को समझना होगा। इस समय दुनिया के अधिकांश देश चीन से त्रस्त है। वहां से कंपनियां आज अन्य देशों में जाने के लिए आतुर हैं। ऐसे में भारत को अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी, साथ ही स्वदेशी ज्ञान व विज्ञान संवर्धन भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जैविक कृषि, योग, आयुर्वेद आदि को भी बढ़ावा देना होगा। और मैं समझता हूं इस दृष्टि से इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय श्री चारण जी ने जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के कार्यशाला का प्रारंभ किया है, इन सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और कोई केवल बौद्धिक जानकारी ना हो, केवल हमने पढ़ लिया, विचार कर लिया, केवल इतना ही बात ना, उसका व्यवहारिक पक्ष भी कैसे मजबूत हो, उसको धरातल कैसे उतारने का प्रयास किया जाए। धरातल उतारने की दृष्टि से संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है, धरातल उतारने की दृष्टि से अर्थ की आवश्यकता पड़ सकती है, उसका भी समाधान कैसे कराया जाए, छोटे से लेकर बड़े तक किस तरीके से लोग उसको अपना सके, इन सारे विषयों पर कार्यशाला के अंतर्गत
विधिवत विचार हो, विधिवत चिंतन हो, मंथन हो, और फिर उसमें से जो निष्कर्ष निकले, जो उसमें से मक्खन निकले, उसे आम जनता को हम प्रदान कर सकने में सक्षम हो, ये मेरी शुभकामना है। इतनी शुभकामना देकर मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हमने बात की अभी कि हमें मानवतावादी विज्ञान की ओर बढ़ना होगा, हम सभी को ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने आप ही के मार्गदर्शन में मानवीय मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाकर, सामाजिक दायित्व प्रकोष्ठ द्वारा उनको समाज से जोड़कर सामाजिक नवाचार हेतु प्रेरित किया, और अब हम ग्रामीण उद्यमिता विकास के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करके जो हम ग्राम स्वावलंबन का